धनु राशि 3, 4 और 5 मार्च को आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। आपके लिए सावधानी रखने योग्य तारीख हैं और थोड़ी अशुभ तारीख भी हो सकती है। इससे पहले हम आगे बढ़े और गणना को बताएं, जान लेते हैं कि मास आरंभ में धनु राशि वालों के लिए ग्रहों की स्थिति क्या रहने वाली। सूर्य बुध शनि कुंभ राशि के होकर तृतीय भाव में है, बृहस्पति शुक्र मीन राशि के होकर चतुर्थ भाव में है, राहु मेष राशि के होकर पंचम भाव में है, मंगल वृषभ राशि के होकर षष्ठम भाव में है, चंद्रमा मिथुन राशि के होकर सप्तम भाव में है, केतु तुला राशि के होकर ग्यारहवें भाव में चलायमान है। 1 और 2 को समय मिश्रित फनकारी रहेगा, फालतू के क्रियाकलापों से दूर रहेंगे तो जरूरी कार्य निपटा ही लेंगे। स्वास्थ्य उत्तम रहने से आप अपने हर कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, घर में सुधार के लिए आगे आएंगे, आगे बढ़कर लीड लेकर कोई काम करेंगे। 3, 4, 5 को समय कष्टप्रद रह सकता है, सावधानी बरतने की आवश्यकता है, चाहे आप व्यवसाय में हैं चाहे आप किसी नौकरी में, तो भी आपको कोई बड़े डिसीजंस नहीं लेने, कोई बड़ा खर्चा नहीं करना, कोई फिजूल खर्ची से बचना है। कारोबारी हालात खराब होंगे, दूसरों की आलोचना करते वक्त सोचें, अन्यथा गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। वाहन आदि से संबंधित कोई अप्रिय घटना हो सकती है, रोमांस में रुचि बढ़ेगी, लेकिन सतर्क रहें, यह आपको परेशानी भी दे सकती है, खास करके जो अफेयर्स वगैरह में इन्वॉल्व है उनके। आप अत्यधिक व्यस्त रह सकते हैं, खर्च की अधिकता रहेगी। 6 और 7 को समय में सुधार आएगा, सुखपूर्वक समय व्यतीत होगा, आप स्वयं के जीवन में एकाकीपन महसूस करेंगे, शांति की चाह में आप गौशाला वृद्धाश्रम कोठी कोड़ी आश्रम जा सकते हैं, आपके लिए फायदेमंद होगा। इसके अतिरिक्त यदि आप प्रतिदिन श्री गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे तो आपके लिए अत्यधिक लाभकारी